आप देख सकते हैं इसकी खुशूसी बात अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तुम लोग सारे रिकॉर्ड की बैंड बजाओ, सारे व्लॉग की बैंड बजाओ। वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर बेस्ट डे, अनदर बेस्ट व्लॉग। सबसे पहले ईद मुबारक आप सबको। कैसी गुजर रही है आप सबकी ईद? मस्ती वाला बैल आ गया, सुन लो लड़कियों। कौन सी तुम लोग बोल रही? काफी है, ये वीडियो एडिट नहीं करूंगी मैं अभी। उधर अच्छा मेरे भाई जी भी कह रहे बहुत बिगड़ गया, पीछे बिगड़ी हुई है। ईद मुबारक बोलो सब से, बोलो ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। जगह दो मुझे, इधर देखो, बोलो भी ईद मुबारक। If you don't mind, can I touch you? मुंह मुझसे दूर जा रहा है। इधर आओ। कहाँ से? दौड़ाऊँ? बस ईद मुबारक का साई साहब। कसाई नंबर टू ईद मुबारक। कहाँ है अनारकली? कौन सा टैलेंट है इसमें? सफाई गोबर ईद मुबारक। जरा बोलो ईद मुबारक, बोलो ना ईद मुबारक। वो पिंक कलर की है, इसको व्हाइट कलर किया हुआ, फिर व्हाइट नहीं कलर, इसको अभी उसने जिसको नहलाया था ना, तो ये पिंक कलर की है। मेरा मेरा बाप करो, मेरा हेलो। नहीं नहीं वो गिर जाएगी। हनान जैसे मेरे कपड़े हैं ना ऐसे, मुझे ना नजर ही नहीं आई कभी, तो रस्सी नजर आई। मैं बना रही हूँ कलेजी, क्योंकि ईद के दिन हम सब इकट्ठे यानी कि हमारा पूरा घर एक साथ खाना खाते हैं, तो उसकी तैयारी चल रही है। यहाँ पे दही में मैंने तमाम मसाले यानी कि हल्दी, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और हाँ फिलहाल यही डाल के मैंने मिक्स किया। अब मैं कलेजी ला के मिक्स करूँगी तकरीबन एक घंटे के लिए, या आधा घंटा भी चलेगा। और ये साथ बन रहा है हमारा गोश्त का पुलाव, जो हमने यखनी चढ़ा दी है। और यहाँ बन रही है गर्मा गर्म तंदूर की रोटी, जिसका मज़ा ही कुछ और है। उसने
सुबह एक कप चाय भी है बस। मामी प्याज को हल्का ब्राउन करना है, उसमें हमने मैरिनेटेड कलेजी डाल दी जो कि ये पड़ी हुई है। और यहाँ बनेगा पुलाव जो कि हम लोग आग जलाकर उस पर बनाएंगे। ये हम लोग पतीले पे सर्फ एक्सेल लगा रहे हैं क्योंकि इससे जो है वो पतीला वॉश करने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पर बाबा लकड़ियाँ जलाने लगे हैं पुलाव के लिए, इस पर पुलाव बनेगा। और यहाँ पे बन रहा है पुलाव, अंदर बन रही है कलेजी, कहीं बन रही है रोटियाँ, कोई चाय बना के ला रहा है। ईद का दिन हमारा इतना अच्छा और इतना बिजी गुजरता है कि पता भी नहीं चलता। लेडीज सारी अपने खाने बनाने में इन कामों में मसरूफ़ होती हैं, बच्चियाँ हमारी सारी तैयार होकर अपनी पिक्चर्स वगैरह बना रही होती हैं, जो लड़के लोग होते हैं वो सब जो है वो कुर्बानी का गोश्त वगैरह काट रहे होते हैं। तो इस तरह कैसे दिन गुजरता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। यहाँ पे मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो गया है, इसमें हम लोगों ने इमली, आलू बुखारा वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा मज़े का ये बनाया था सबने मिलकर। तो इस तरह से बहुत ही मसरूफ़ दिन गुजर जाता है हम सब का, बिल्कुल भी पता नहीं चलता हम लोगों को कि ईद का पहला दिन कैसे गुजर गया। यहाँ अब इसका तकरीबन फाइनल लुक है, ये बिल्कुल रेडी होने वाले हैं। दम लगाने के लिए इसके जो हम लोगों ने कोयले थे वो भी इस पतीले के ऊपर डाल दिए हैं ताकि इसको अच्छे से दम लग जाए। यम। और यहाँ पे सब रेडी है, रायता वगैरह, इसके बाद हम लोगों ने शीट लगाई, खाना खाया, बहुत मज़ा आया। इसके साथ ये ब्लॉग होता है यहाँ पे ख़त्म। अपना बहुत ख्याल रखें, आई होप आपकी ईद भी बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी होगी और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी। खैर फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, यानी कि ईद के सेकेंड डे में। अल्लाह हाफिज़।